सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शमसु कमर और आप देख रहे हैं अजमली टूर एंड ट्रेवल्स। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नए नए वैकेंसी लाता रहता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया का जो मैं लेकर आया हूं वो है टेक्निकल डेवलपमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। सऊदी की बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें ओनली गल्फ एक्सपीरियंस वाले आदमी होने चाहिए, जिसको गल्फ एक्सपीरियंस है क्योंकि जाके आ चुका है गल्फ से। जो कि कैटेगरी आपको बताया था वो पहला है इलेक्ट्रीशियन हमें चाहिए। सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 तक सऊदी रियाल प्लस फूड। दूसरा है प्लम्बर हमें चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 प्लस फूड। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 प्लस फूड। एसी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 तक प्लस फूड। पेंटर चाहिए, वॉल पेंटर भी चाहिए और ऑटो ये कार पेंटर भी चाहिए, ठीक है। सैलरी होगी 1300 प्लस से लेके 1500 प्लस फूड। ड्यूटी सॉरी स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी होगी 1500 प्लस 1500 से लेकर 1800 प्लस फूड। मेसन चाहिए कंक्रीट और बीपी वाले, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 प्लस फूड। हैवी ड्राइवर चाहिए सऊदी लाइसेंस के साथ, 2000 से लेके 2500 तक सैलरी रहेगी उनकी प्लस फूड। लाइट ड्राइवर चाहिए सऊदी लाइसेंस के साथ, वैलिड या एक्सपायर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास लाइसेंस रहना चाहिए। लाइट ड्राइवर की सैलरी होगी 1800 से लेके 2000 तक होगी प्लस फूड। लोडर चाहिए हमें, लोडर ऑपरेटर जेसीबी ऑपरेटर जीसीसी लाइसेंस के साथ, यानी आपको जीसीसी में आपको सऊदी लाइसेंस चाहिए हमें, ठीक है। सैलरी होगी 1500 से लेके 2500 तक प्लस फूड। ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 प्लस फूड। डीजल मैकेनिक चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेके 2000 प्लस फूड। सिविल फोरमैन सुपरवाइजर और रोड वाले आदमी भी चाहिए, ठीक है। सैलरी होगी 2500 से लेके 3500 तक प्लस फूड। मैकेनिकल फोरमैन चाहिए, सैलरी होगी 2500 से लेके 3500 प्लस फूड। इसमें सभी को 3 साल से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जितने भी ऑपरेटर हैं और ड्राइवर उनको सऊदी लाइसेंस होना मस्ट है, ठीक है। ड्यूटी आवर्स होगा 10 घंटे प्लस ओवर टाइम, 10 घंटे नहीं इंक्लूडिंग लंच ब्रेक के साथ। 10 घंटे में 9 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, 1 घंटा लंच ब्रेक, टोटल 10 घंटा प्लस ओवर टाइम रहेगा आपका। एज लिमिट 25 साल से लेके 38 साल तक चाहिए। मेडिकल अकामा इंश्योरेंस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। मेडिकल जो आपको सऊदी में होगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे जो मेडिकल होगा इंडिया में वो आपको खुद पे करना होगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं आप लोग जल्द से जल्द मुझे अपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए ताकि मैं आगे का प्रोसेस चालू कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।